वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो जी मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गई। हम लोगों की भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गई। पूरे 3 दिन हम लोगों ने खूब इंजॉय करा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल के रमज़ान जो है ना वो तो फटाफट से चले गए, पता भी नहीं चले। और अब रमज़ान जाने के बाद की जो लाइफ है ना, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि रमज़ान थे ना यार तो बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ा आता था। ऐसा लगता था हम लोग सिक्योर हो गए रमज़ान जब स्टार्ट होते हैं। तो कल सादिया के स्कूल के एडमिशन के लिए भी जाना है। सादिया का स्कूल हम लोग चेंज कर रहे हैं तो एडमिशन करवाना है सादिया का दूसरे स्कूल में। तो इंशाल्लाह उसके लिए कल जाऊंगी और फिर सादिया के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। जब सादिया के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे ना तब एग्जैक्टली वो रूटीन स्टार्ट हो जाएगी जो डेली लाइफ की होती है, मतलब नॉर्मल होती है। तो ये ब्लॉग भी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। तो चले मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दिन में अभी मैंने क्या क्या काम निपटा लिए अपने। तो ये देखें ईद पूरी होने के बाद तो ना सबसे पहले मैंने ये कपड़े वॉश करे। कपड़ों का हाल देखें आप कि किस कदर इतने सारे माशाल्लाह कपड़े हो गए थे। ओके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये जितने भी कपड़े हैं ना ये चांद रात के कपड़े हैं, चांद रात से लेके अब तक के। और कपड़े को देखें ज़रा कितना माशाल्लाह अंबार लगा हुआ है। और बच्चों के भी कपड़े हैं इसमें अभी। तो फिलहाल ये कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, अब उसके बाद मैंने खाना वगैरह भी बना लिया है। तो खाना भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने चिकन कौरमा बनाया है, ये देखें। किस किस के साथ ऐसा होता है कि रमज़ान जाने के बाद ना रूटीन ज़रा लेट बनती है, मतलब जो हमारा रूटीन होता है ना कि सुबह उठो और सारे काम वाम से फ्री हो, दोपहर तक फ्री होकर फिर थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बाकी के सारे काम कर लो। तो ऐसा किस किस के साथ होता है कि रूटीन बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और ईद संडे को पूरी हुई है, मतलब जब मम्मी के घर से वापस आए तो संडे को ईद पूरी हुई है। और आज है जी ट्यूसडे, तो ये समझ लें आप 2 दिन हो गए अभी तक रूटीन में नहीं आई हूँ मैं। तो बस होपफुली कि अब इंशाल्लाह कल से रूटीन में आ जाएंगे जब सादिया का स्कूल का एडमिशन हो जाएगा। तो चलें अभी मैं फ़िलहाल ये सारे काम अपने डन करती हूँ और उसके बाद मैं शाम को क्या करूँगी वो भी मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगी। तो मिलते हैं जी अभी थोड़ी देर में। टाइम हो गया है 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और फ्रेंडशिप पढ़ ली है, फ्री हो गई हूँ मैं। अभी मैंने इंसा को कॉल करा था तो स्विगी से मैंने चीज़ मंगवाई है, श्रेडेड चीज़। तो मेरे पास ना ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं था तो मैंने इन सबको बोला तुम करो और फिर उसके बाद ना मैं तुम्हें पे कर दूंगी। तो फिलहाल ये देखिए डिलेक्टा की ना चीज़ आ गई है, मोज़रेला श्रेडेड चीज़ है ये। तो बच्चों को पिज्ज़ा खाते खाते ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया, उन्होंने कहा मम्मा कुछ डिफरेंट बनाओ कुछ डिफरेंट बनाओ। और मेरे पास ना हस्बैंड ये लेकर आए हुए थे बर्गर बन, तो ये कोई तकरीबन 2-3 दिन हो गए इसको आए हुए, ये फ्रिज में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ डिफरेंट सा बनाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को कुछ डिफरेंट सा खिलाते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, रेसिपी मैं आपके साथ साथ शेयर कर दूंगी। और दूसरी बात ये है कि आई होप सो कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आए, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, एक लाइक तो रेसिपी के लिए ज़रूर करिएगा। और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना तो उनको ज़रूर खिलाइएगा। बच्चों को ये खिलाने के बाद ना एक ऑनेस्ट रिव्यू बच्चों से मैं लूँगी और आपके साथ वो रिव्यू डेफिनेटली शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ओवन है तो मैं ओवन में बनाऊँगी, ठीक है। और बाकी ये है अगर ओवन ना हो तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप इस रेसिपी को आराम से नॉनस्टिक पैन में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरी मम्मा के लिए लाइक को कर दी है, मम्मा के मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं तो ए तो और लाइक करते जाइए। हमारे पास क्या कहते हैं डायमंड प्ले बटन आ जाएगा बहुत। तो चलिए जी बच्चों के विश को पूरा कर दे आप प्लीज, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितना आप इस वीडियो को देखेंगे उतना मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ओके तो चलिए अब बढ़ते जी अपनी रेसिपी की तरफ। जी अवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है और ये मेरे पास है बर्गर बंस, ठीक है। तो इनका जो ये नीचे वाला पार्ट है ना इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं 4 बना रही हूँ अभी के लिए क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं मार्केट, तो हस्बैंड के लिए हम बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो अभी मैं 4 बना रही हूँ। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको मैं यहाँ से होल करूँगी नाइफ से, ठीक है। तो नाइफ की हेल्प से ना आप इस तरह से होल कर लीजिए और ये निकाल लें,
ठीक है। इसी तरह से मैं सारे कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ना इनमें कट लगा लिया है, और अब मैं इन सभी चीज इसमें जितने भी मैंने ये बनाने के लिए रखे ना इसमें चीज़ रख दूंगी। और चीज़ ना बिल्कुल अभी अभी आई है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो फ्रीज हुआ है अच्छे तरह से। आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स कुछ भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं ना, कॉर्न्स, सिर्फ कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो इस वक्त कॉर्न्स अवेलेबल है, तो मैं इस वक्त सिर्फ कॉर्न्स डाल रही हूँ इसमें। चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, ठीक है ठीक है। ऑरिगैनो है, पास्ता मसाला है, पास्ता सीजनिंग है, जो भी हो आपके पास आप वो डाल दें, या वो जो सिंपल हर्ब्स आते हैं ना आप वो भी डाल दें, उससे भी बड़े मज़े का आता है। कि अब मेरे पास है जी ये चीज़ स्प्रेड, ठीक है। ये भी डिलेक्टा की है, डिलेक्टा की चीज़ एक्चुअली अच्छी आ रही है, और हम लोग बाकी सारे ब्रांड्स को ना ज़रा पीछे ही कर रहे हैं, जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं ना उन्हीं पर हम फोकस कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से करें कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं ना, लोकल ब्रांड्स, उन्हीं को आप पहले प्रेफरेंस दें। आप पूरी कोशिश करें कि हमें इंडियन ब्रांड ही लेना है, ठीक है जी। तो दूसरी साइड पे ये वाले जो बंस है ना, इस पे मैं लगा दूंगी चीज़ स्प्रेड, ठीक है। तो ये मैं दोनों अलग अलग तरीके के बना रही हूँ, दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। ये मिनी पिज्ज़ा के स्टाइल में बन जाएगा, ये जो मैं चीज़ स्प्रेड लगा रही हूँ ना, तो ये मिनी पिज्ज़ा के जैसा बन जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से चीज़ स्प्रेड लगा दें। चीज़ स्प्रेड ना हो तो आप एक एक चीज़ स्लाइस रख दें, क्योंकि जो बच्चों का घर होता है ना, उनके घरों में तो डेफिनेटली होता ही होती है ये सारी चीज़ें, चीज़ हो, चीज़ स्प्रेड हो या चीज़ स्लाइस हो। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़े से कॉर्न्स डाल देंगे, चीज़ हुए होते हैं। और इस पे मैं चिली फ्लेक्स ना डाल के सिर्फ मैं ऑरिगैनो डालूंगी, ठीक है। जो पिज्ज़ा सीजनिंग होती है वो हम डाल देंगे, हम कर देते हैं, नहीं तो डालते हैं। चिली फ्लेक्स नहीं डालना, कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये डाल दिया है, और अब ऊपर से हम चीज़ डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए जी, ये बेक होने के लिए हो गए हैं रेडी। अब हम इन्हें कर लेते हैं बेक। बाय दोस्तों, अब तुम जलने वाले हो, तो बहुत अच्छा लग रही है। मैं बाकी की रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसको हम बेक करेंगे 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज पर। पहले मैंने दोनों रॉड ऑन करके इसको प्री हीट कर लिया था, अब मैं सिर्फ ऊपर की रॉड ऑन कर दूंगी और इसको 10 मिनट्स के लिए हम बेक कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, तो जब तक ये पिज्ज़ा कम बर्गर बेक हो रहा है ना, तब तक मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैंने मीशो से मंगवाया था, आपको याद है मैंने आप लोगों के साथ ना रमज़ान में एक स्पाइरल पोटैटो की रेसिपी शेयर करी थी, जिसमें वो स्पाइरल तो नहीं बन पाए थे, वो कुछ और ही बन गए थे, बट स्टिल वो मैंने किसी तरह से मैनेज कर आके ना, वो नाइफ से कट मार मार के उसको दुबला पतला कर ही लिया था, बट स्टिल वो उस तरह के नहीं बने थे जैसे हम रेडीमेड खाते हैं ना मार्केट में, उस टाइप के नहीं बने थे। बट टेस्ट जो था वो ऑसम था, 100% ऑसम था। बट हाँ, पोटैटो जो कटिंग थी ना, वो स्किल्स थोड़े से कम रह गए थे, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली जो हम मार्केट से खाते हैं ना, वो भी मशीन से कटते, तो वो पॉसिबल नहीं है नाइफ से काटना, जो बड़े बड़े शेफ हैं वो कर सकते हैं। मैंने एक अटेम्प्ट लिया था बट वो हो नहीं पाया था, बट उसका एक सोल्यूशन मैंने मीशो से मंगवा लिया है, बहुत ही सस्ता मंदा टिकाऊ सा, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको भी इसी तरह के शौक है ना, कुछ नया नया आइटम बनाने का, खाने का, और कुछ नया नया अपने घर वालों को खिलाने का, तो आप लोग भी ना ये सस्ता मंदा टिकाऊ एकदम मंगा सकते हैं। तो ये देखें, ये है जी स्पाइरल पोटैटो स्पाइरल कटर, ठीक है। और इसके साथ ये मिले थे इसका इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और मैंने ना जिस दिन ये आया है उस दिन, मतलब रोज़ा खोल के हम लोग लेट गए थे, जिस दिन मैंने स्पाइरल बनाए थे ना उसके, मेरे ख्याल से उसी दिन मैंने ऑर्डर कर दिया था, 3-4 दिन बाद ये मुझे डिलीवर हो गया था। तो रोज़ा इफ्तार करके हम लोग लेट गए थे, और फिर उसके बाद जैसे ये भैया लेकर आए ना, तो मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा देख लो आप, मैंने कहा अच्छा ये तो स्पाइरल कटर आ गया, मतलब ऑयल चढ़ा हुआ था कढ़ाई में, और जी मैंने सोचा मैं तो इसको अभी ट्राई करूँगी, ये बनता कैसे है, मैंने इसका इंस्ट्रक्शन तक नहीं देखा था, और फटाफट मैंने अपनी दिमाग से अगड़म तगड़म लगा लगा के ना इसको यूज़ करने स्टार्ट कर दिया। तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से यूज़ होने वाला है, यहाँ पर पोटैटो लगाना है, और फिर उसके बाद आपने
इसको इस तरह से स्पाइरल इसको घुमाना है, जस्ट ऐसे ऐसे इसको घुमाते रहना है और वो स्पाइरल्स बन जाएंगे। और वो बहुत ही मज़े के स्पाइरल बने थे, बहुत ही थिन और जैसे रेडीमेड मिलते हैं ना बिल्कुल उसी तरह के स्पाइरल बने थे। और ये इस तरह की 4 स्टिक्स इन्होंने दे रखी हैं, तो जब स्पाइरल बनाएंगे ना हम तो पोटैटो को हमें यहाँ स्टिक में टक कर देना है ताकि जब हम फ्राई करें ना तो वो एक साथ ना जाए, तो वो स्टिक आपने ऐसे पकड़ के किसी डीप चीज़ में फिर फ्राई करना है, तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो चले अब हम देखते हैं जी अपने पिज्ज़ाज रेडी हुए या नहीं हुए। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हटो हटो बेटे, अभी गर्म हो रहा होगा, पीछे जाओ, ला ये स्टिक मुझे दो, ये काम की है मेरे, इसको मत छूना। मैं कभी ये भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी आपको, पोटैटो स्पाइरल बनाएंगे कभी। यम 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 यम, मज़ेदार खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बेटे अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, देख लो रखा हुआ तो आपके सामने है, बट अभी गर्म बहुत ज्यादा हो रहा है। अम्मा का इसको भी कह दो कि हमारे साथ खाने आ जाएंगे। गाइस आप सद्दू के साथ खाने आ जाइए। ये देखिए जी, लग रहा है ना दिखने में अच्छा इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा पिज्जा से अलग बट पिज्जा जैसा। तो चले बच्चों को टेस्ट कराते हैं, इसके ऊपर ओरिगैनो डाल देती हूँ मैं और बच्चों को टेस्ट कराते हैं और फिर आपके साथ ना बच्चों का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करते हैं। पहले इसमें मैं केचप डाल लेती हूँ, तो जी केचप डाल लेते हैं। ये देखें जी ज़रा मेरा सुगड़पना, कर्टन पे भी गिर गई केचप, इट्स ओके। चलिए बच्चों को खिलाते हैं। आ गया, चलो खा के देखो अब कि कैसा बना है, मज़ेदार भाई। गाइस खाना है, लो मैं खिलाऊं, कैसा हो रहा है यम्मी। तो गाइस आप लोग भी ना बच्चों को इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीजें खिला के बना के खिलाएं और बच्चों को खूब घर में इंजॉय कराएं, तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को बहुत मजा आ जाने वाला है इस जो बर्गर बन पिज्जा है ना इससे। तो चलिए जी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा और स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।